क्या ओकेशन है क्या दिन है अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो किस टाइप के कपड़े पहनने हैं अगर ऑफिस में एथनिक डे है तो किस टाइप के कपड़े पहनने शादी में कैसे पहनना है फेस्टिवल में कैसे पहनना है दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नॉट ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेशन इज रियली बैड अगर आप लहंगा पहनते हो अ बर्थडे पार्टी नो अगर आप दिवाली में जीन्स और टी शर्ट पहन के जाते हो दिवाली पार्टी में नो no. सो यू मस्ट ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेशन एंड यू मस्ट सी कि कौन सा दिन है कहाँ जा रहे हैं किस टाइप के लोग आएंगे और कैसा है ओकेजन उस अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप करना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेयरिंग ट्रैक सूट एवरीवेयर ट्रैक सूट एक बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है एंड येस yes, मैंने पहले बोला था कि आप पे जो कंफर्टेबल लगता है वो पहनिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह ट्रैक सूट पहन के जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हो तो ट्रैक सूट पहन के जा रहे हो आप मूवी देखने जा रहे हो तो फाइन वो तो पहन सकते हो क्योंकि वो कंफर्टेबल है लेकिन उसके बाद अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप ट्रैक सूट पहन के मत जाइए बिकॉज दैट इज़ नॉट करेक्ट सो

मेकअप शुड बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन अगर आप किसी अपने हस्बैंड फैमिली के साथ डिनर में जा रहे हो बॉयफ्रेंड के साथ डिनर में जा रहे हो सटल मेकअप नाइट पार्टी सटल मेकअप फेस्टिवल लाउड मेकअप वेडिंग लाउड मेकअप एक श्योर की मेकअप जो हो वो ज्यादा कम ना हो और एक्सेसिव में ना हो ध्यान से एवरी शुड बी बैलेंस्ड नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रेसिंग आउटसाइड योर एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम लूँगी आलिया भट्ट जब वो आई थी नई नई शी वॉज रियली यंग नाइनटीन ए की थी बट शी वॉज टू ड्रेसअप लाइक ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड एंड कॉफी विद कारण में एक बार ये पॉइंट सोनम कपूर ने भी फैशन दिवा उन्होंने भी बोला था द आलिया भट्ट शुड ड्रेसअप अकॉर्डिंग टू हर एज विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट If you're going outside your age and dressing up, that will not look nice. So, these photos have to do Alia But outside of her age, just to look big in the industry, dress up, which was not looking nice. And after that, she has settled and now she dresses so beautifully. If you're an old woman, if you're 45, 50, 60, and if you're trying to dress like a 16-year-old, no, that will not look good. And if you're a 16-year-old and you want to dress up like a 40-50-year-old lady, then he chalta. Next, and the most mo मोस्ट important पॉइंट is ड्रेसिंग फॉर एनी वन अदर देन योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ड्रेसअप कर रहे हो जब आप मेकअप लगा रहे हो एक्सेसरीज पहन रहे हो इट शुड बी फॉर योर सेल्फ एंड नॉट टू शो एनी वन एल्स वन यू ड्रेसअप फॉर योर सेल्फ यू विल लुक ब्यूटिफुल एंड यू लुक वेरी कंफर्टेबल यू कैन कैरी एनी थिंग लेकिन आप किसी को दिखाने के लिए और किसी और वुमेन के साथ कंपीट करने के लिए अगर आप ड्रेसअप करते हो देन दैट विल नॉट लुक गुड यू बी रियली अनकंफर्टेबल माइंड में वो चलता रहेगा सो द मोमेंट यू ड्रेसअप फॉर योर सेल्फ लाइक यू हैव टू लव योर सेल्फ यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ योर बॉडी आप ऑटोमेटिकली बहुत कंफर्टेबल और अच्छे लगोगे एंड योर फैशन स्टाइल विल बी ऑन टॉप सो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये वीडियो मैंने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि लॉन्ग वीडियोस सब नहीं देखते शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी डिवाइड इसलिए किया था ताकि सब इसे देख पाए, दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इनको ध्यान रखिए अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई वीडियो रिलेटेड टू तो फैशन बनाऊँ देन कॉमन बिलो एंड मी नो इसके अलावा मैंने बहुत सारे फैशन वीडियोस बनाए विच आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन क्लिक हियर और एट द एंड ऑफ द वीडियो बहुत सारे बनाए प्लीज़ यू वॉच इट एंड आई होप मेरे ये दो वीडियोस आपको अच्छे लगे और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हाँ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आई एम गो सी ऑल्सोन विथ मोर वीडियोज़ टिल दैन बाय